आईपीएल के 14वें सीजन के 35वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबले से पहले रेतीले तूफान की वजह से टॉस में देरी हुई, जिसकी वजह से आधे घंटे तक टॉस नहीं किया जा सका। रेतीला तूफान मैच में टॉस होने से ठीक पहले आया, जिसकी वजह से इसे टालना पड़ा। इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली मैदान पर डटे रहे। दोनों ही खिलाड़ी जब तक टॉस नहीं हुआ तब तक बातें करते रहे। 7:25 पर टॉस से पहले मैदान का निरीक्षण किया गया। मैच को आधे घंटे देरी यानी 7:30 शुरू किया गया। वहीं मैच टॉस के 15 बाद 7:45 पर शुरू हो गया। इस डेजर्ट स्टॉर्म को देखकर सभी को एक बार फिर 1998 वाली डेजर्ट स्टॉर्म याद आ गई, जब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने शारजाह में एक तूफानी पारी खेली थी। वहीं इस मैच में कप्तान धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई ने इस मैच को 6 से अपने नाम कर लिया। क्रिकेट से जुड़ी और ज़्यादा जानकारी के लिए आप NBC हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि नोटिफिकेशन की घंटी आप तक सबसे पहले पहुंचे।